नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका भारत पर S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर प्रतिबंध लगा देगा, क्यों अमेरिका S-400 के खिलाफ है और क्या भारत अमेरिका के दबाव में रूस से डील कैंसिल करने का फैसला लेगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि S-400 क्या है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसकी मिसाइल 20G की स्पीड तक मार कर सकती है, यानी साउंड वेव से 20 गुना तेज। वहीं कोई भी लड़ाकू विमान 9G से ज़्यादा तेज नहीं उड़ सकता। इसकी खास बात है कि ये एक बार में 4 इंटरसेप्टर दाग सकती है, जबकि अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम केवल एक ही इंटरसेप्टर दाग सकता है। पेट्रियट मिसाइल 100 किलोमीटर के दायरे में काम करती है और वहीं S-400 की फायरिंग रेंज 400 किलोमीटर तक है। फिर सवाल उठता है कि अमेरिका भारत के इस फैसले से परेशान क्यों है। भारत आज भी 50% से ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति रूस से ही करता है। रूस भारत के क्वाड में भी शामिल होने के खिलाफ था, लेकिन उसने आपत्ति जताने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया। भारत की नज़दीकियाँ अमेरिका से बड़ी हैं, लेकिन हथियार अभी भी रूस से आ रहे हैं। अब अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम के सौदे को लेकर अपनी असहजता जाहिर की है। भारत के दौरे पर पहुंची उप विदेश मंत्री वैंडी शर्मन ने रूस के साथ इस सौदे को खतरनाक बताया है। इस रक्षा सौदे को लेकर अमेरिका तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है, भारत पर भी यही खतरा मंडरा रहा है। वैंडी शर्मन ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। एक समाचार एजेंसी के अनुसार वैंडी शर्मन ने कहा, जिस भी देश ने S-400 का इस्तेमाल करने का फैसला किया है उसे लेकर हमारी नीति स्पष्ट है और सार्वजनिक है। हमारा मानना है कि यह खतरनाक है और यह किसी के भी सुरक्षा के हित में नहीं है। भारत के साथ हमारे मजबूत संबंध है, बढ़िया साझेदारी है और हर समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। उम्मीद है इसे भी बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। वेंडी शर्मन की यह टिप्पणी तब आई है जब भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है कि 2018 में $5.43 अरब के S-400 मिसाइल सिस्टम सौदे पर हस्ताक्षर हुआ था और इस साल के अंत यानी दिसंबर तक पहले इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। रूस के साथ इस सौदे को लेकर अमेरिका हमेशा से सख्त रहा है। ऐसा केवल भारत के साथ नहीं है, बल्कि तुर्की के साथ भी अमेरिका ने ऐसा ही किया था, बल्कि तुर्की के साथ उसने ज़्यादा सख्त रुख अख्तियार किया था। 2019 में इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की के साथ F-35 लड़ाकू विमान का सौदा रद्द कर दिया था। अमेरिका को डर था कि रूस उसके आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 का रेडार सिग्नेचर पढ़ लेगा, जो उस वक्त तुर्की को दिए जाने थे। इस विमान का रेडार सिग्नेचर गोल्फ बॉल के बराबर है। हिंदुस्तान के लिहाज से मामला कच्चा से जुड़ा है। प्रतिबंध भारत के कारण नहीं है, बल्कि रूस की वजह से है। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के हस्तक्षेप करने के मामले में उसे सजा देने के लिए 2017 में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सोशल एक्ट, जिसको हम काटसा कहते हैं, पास कर दिया गया। इसके तहत और जो भी देश रूस से सैन्य उपकरण खरीदेगा उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत पर प्रतिबंध लगाया तो ये अमेरिका की बड़ी गलती होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि काटसा के कारण भारत रूस से रक्षा सहयोग खत्म नहीं कर सकता। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि S-400 से ना अमेरिका को खतरा है ना ही उसके सहयोगियों को। रूस के लिए भारत सबसे बड़ा सैन्य उपकरणों का खरीददार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटा के अनुसार 2010 से 2019 तक रूस ने अपने हथियार निर्यात का एक तिहाई हिस्सा भारत को बेचा है। भारत S-400 सिस्टम का इस्तेमाल चीन के बॉर्डर पर करेगा, तो अब सवाल है कि क्या अमेरिका तुर्की की तरह हिंदुस्तान पर प्रतिबंध लगाएगा। तो सियासत की बात तो बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।